एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जादुई जंगल के पास एक जादूगरनी रहती थी। उसका नाम रुकमणी था और वह एक मायावी चुड़ैल थी। उसके पास एक जादुई झाड़ू थी जिस पर बैठकर मैं उड़ सकती थी। काले और घने जंगलों के बीच उसका एक मायावी घर था। रुकमणी दिल से बहुत अच्छी थी और वह अपने जादू से गांव के लोगों की सेवा किया करती थी। दूसरे दिन मायापुर गांव में एक मधुर सुबह हुई। यहाँ वहां सभी ओर चिड़ियों की मधुर आवाज चहक रही थी। दोपहर तक सूरज सर पर चढ़ाया और गर्मी काफी बढ़ गई। आज तो बहुत गर्मी है, सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया और मुझे प्यास भी बहुत लग रही है। आज रुकमणी भी नहीं दिखाई दे रही कहीं पर। गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। गांव के पास के जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया था। राक्षस ने गांव के पेड़ों को जलाना शुरू कर दिया। बचाओ, बचाओ, आग, आग, बचाओ रुकमणी, बचाओ, आग। जोरावर मायापुर एक बार फिर लौट आया और उसने इस बार पूरे गांव में आग लगा दी। मायापुर में आग लगा दूंगा, राख कर दूंगा मायापुर को। और जैसे ये बात रुकमणी को मालूम पड़ी, रुकमणी जोरावर से लड़ने के लिए निकल पड़ी। जोरावर, बहुत हुआ तेरा आतंक। रुकमणी, इस बार तुम मुझे नहीं रोक पाएगी।